हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं टू ब्लेड पराठा फैन रिवाइंडिंग कैसे करें, यानी कि दो पंखुड़ी वाला जो पराठा पंखा होता है उसको आप किस तरीके से रिवाइंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे स्टेटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दी गई है। और दोस्तों ये जो हमारी दो कॉयल्स हैं ये हमारी रनिंग की हैं और नीचे वाली दो स्टार्टिंग की हैं। तो दोस्तों इसके वाइंडिंग डाटा और कनेक्शन हर एक चीज़ की बात करूँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप किस तरीके से पराठा फैन को आसानी से रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से फ़ैन को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालते हैं इसमें रनिंग कॉइल का एक सेट और आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप आसानी से सीख पाएँ। तो देख सकते हैं अब हम इसकी करते हैं रिवाइंडिंग। तो ये हमारा फर्स्ट कॉइल है तो इसको हमें सबसे पहले ले लेना है और ये जो इसका सिरा है दोस्तों जो कि अपनी साइड में रखना है और इसको हमने बांध रखा था, इसको हम खोल लेते हैं और रैंडमली आपको किसी भी एक स्लॉट में पहले इसको फिल कर देना है। और जो इसकी पिच रहेगी दोस्तों वो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 पिच रहेगी। तो पहले हमको किसी भी एक स्लॉट में डाल देना है। तो देख सकते हैं हमने किसी भी एक स्लॉट में डाल दिया है और अब इसके ऊपर से लगा देते हैं 7 नंबर PVC सीट का टुकड़ा जो कि इसी साइज़ का आपको नाप कर काटना है, ना ज़्यादा लंबा हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लगा देना है और फिर इसके बीच में दोस्तों आपको गिन करके 6 स्लॉट छोड़ देने हैं और जस्ट उसके पड़ोस वाले यानी कि 7वें स्लॉट में इसको फिल कर देना है। तो चलिए अब हम इसको जल्दी से आपको डालकर दिखाते हैं, फिर इसके दूसरे सेट की बात करते हैं यानी कि दूसरी कॉइल की। तो देख सकते हैं हमने बीच में 6 स्लॉट छोड़ कर इसको जो है जस्ट 7वें स्लॉट में इसको फिल कर दिया है। इसके ऊपर से अब हमको लगा देना है 7 नंबर PVC सीट और फिर हम डालते हैं इस प्रथम वाले सेट की दूसरी कॉइल को। तो देख सकते हैं हमने PVC सीट लगा दिया है और अब इसको अच्छे से साइज कर लेना है ताकि हम जो है स्टार्टिंग कॉइल को जो कि हम अभी आपको डालना सिखाएंगे वो आसानी से इसमें डाल पाएँ। तो देख सकते हैं इसी तरीके से आपको भी साइज करना है और अब आपको दिखाते हैं इसकी दूसरी कॉइल आपको किस तरीके से डालनी है। दोस्तों इसके जो सीरीज कनेक्शन है वो आपको बड़ी ही ध्यान से देखने हैं। दोस्तों इसमें मोटर में सीरीज कनेक्शन ही मेन होता है, यदि आप सीरीज कनेक्शन सीख गए तो आप जो है मोटर वाइंडिंग आसानी से सीख पाएंगे। तो ये जो आप राइट वाला वायर देख रहे हैं जो कि फर्स्ट कॉइल से कनेक्ट है वो दूसरी कॉइल के लेफ्ट से कनेक्ट होना चाहिए जो कि हम दिखा रहे हैं आपको इस तरीके से। यदि आपका जो है कॉइल इस तरीके से कनेक्ट है तो आप इसको जस्ट उसके पड़ोस वाले स्लॉट में आपको फिल कर देना है यानी कि आपका जो सीरीज कनेक्शन है वो एकदम राइट है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको जल्दी से डालकर आपको दिखाते हैं एक बार। तो देख सकते हैं हमने एक साइड डाल दिया है जस्ट उसके पड़ोस पे और ये जो हमारा दूसरी कॉइल के राइट साइड से निकला है ये हमारी तीसरी कॉइल के लेफ्ट साइड से कनेक्ट है दोस्तों। तो इसके ऊपर हम लगा दिए हैं PVC सीट और फर्स्ट दूसरी कॉइल दोस्तों हमारी डलकर हो चुकी है कम्प्लीट। अब बात करते हैं तीसरी कॉइल की। तो दोस्तों तीसरी कॉइल हमें इस तरीके से डालना है जो इसका छोर हमने छोड़ा था कॉइल बनाते वक्त, ये अपने से अपोजिट साइड में कर देना है और डाल देना है दोस्तों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन अपने आप दोस्तों सही हो जाएंगे यदि आप जो है इसका सिरा अपने से अपोजिट साइड में रखेंगे। और पहली कॉइल का जो सिरा होता है वो अपनी साइड में रखना है, तीसरी कॉइल का अपोजिट साइड में रखना है। और दोस्तों देख सकते हैं तीसरी कॉइल हमने डालकर कर दिया है कंप्लीट। दोस्तों आपको जो है बड़े ही ध्यानपूर्वक इसमें वायर को डालना होता है स्लॉट में यानी कि कट ना जाए दोस्तों, क्योंकि एल्युमिनियम वायर बहुत ही नरम वायर होता है। तो देख सकते हैं ये हमारा सीरीज कनेक्शन है जो कि दूसरी कॉइल के राइट साइड से तीसरी कॉइल के लेफ्ट साइड से कनेक्ट है। तो अब जस्ट उसके पड़ोस वाले स्लॉट में इसको फिल कर देना है। तो देख सकते हैं अब हमने डालकर कर दिया है प्रथम सेट कंप्लीट। तो ये हमारा फर्स्ट कॉइल से आउटपुट निकला है जो कि हमने अपनी साइड रखा था और ये तीसरी कॉइल से निकला है जो कि हमने अपने से अपोजिट में रखा था। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको हम दूसरा रनिंग का कॉइल डालकर दिखाते हैं आपको। तो चलिए अब हम दूसरा सेट आपको डालकर दिखा देते हैं। तो दूसरा सेट दोस्तों डालने के लिए हमको जो है जो हमने कॉइल सेट डाल रखा है उसमें 2-2 स्लॉट छोड़ कर हमको डाल देना है। यदि आप नहीं समझ पाए तो हम चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से डालना है। तो आपको दूसरा सेट ले लेना है वो भी रनिंग का और इसकी प्रथम कॉइल को दोस्तों इसका जो सिरा हमने छोड़ा था इसको अपनी ओर करते हुए इसको एक साइड से खोल लेना है और फिर इसको 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे वाले स्लॉट में डाल देना है। तो इसको हम डाल देते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि किस स्लॉट में हमने डाल दिया है। तो चलिए इसको हम जल्दी से फिल कर देते हैं स्लॉट में। दोस्तों मोटर वाइंडिंग बहुत ही आसान होती है। तो देख सकते हैं हमने 2 स्लॉट छोड़ करके तीसरे वाले में डाल दिया है और जस्ट आगे भी 2 स्लॉट छोड़ दिया है तीसरे वाले में डाल दिया है। अब ये जो सीरीज कनेक्शन है जो देख सकते हैं अब फर्स्ट कॉइल का जो राइट साइड से कनेक्ट है वायर वो हमारी दूसरी कॉइल के लेफ्ट साइड से कनेक्ट होना चाहिए तभी आपके जो सीरीज कनेक्शन है वो एकदम सही माने जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सीरीज कनेक्शन करना होता है। तो देख सकते हैं हमारी दूसरी कॉइल का जो राइट साइड वायर है ये हमारी फर्स्ट कॉइल का राइट साइड वायर है वो हमारी दूसरी कॉइल के लेफ्ट साइड से कनेक्ट है।
तो चलिए इसको जस्ट पड़ोस वाले स्लॉट में फिल कर देना है बड़ी ही सावधानी पूर्वक आप, और फिर इसके ऊपर से 7 नंबर पीवीसी सीट लगाते चलना है जो कि कंपलसरी है, जिससे कि हमारी कॉइल लॉक होंगी और वायर बाहर नहीं आएंगे। तो देख सकते हैं हमने दूसरी कॉइल डालकर कर दिया है कंप्लीट। अब बात आती है तीसरी कॉइल की। तीसरी कॉइल में दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो इसका सिरा है वो अपने से अपोजिट में करके डाल देना है। ये सीरीज कनेक्शन है दोस्तों, अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो चलिए हम तीसरी कॉइल डालकर जल्दी से करते हैं कंप्लीट और फिर आपको दिखाते हैं इसका स्टार्टिंग कॉइल कैसे डालें। तो देख सकते हैं हमने रनिंग कॉइल डालकर कर दिया है कंप्लीट, जो कि इसके 4 सिरे हैं। ये दोस्तों इसके कनेक्शन की बात भी हम करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने कॉइल डालकर कर दिया है कंप्लीट दोनों सेट, और अब बढ़ते हैं स्टार्टिंग कॉइल की ओर। इसको आपको अच्छे से साइज करके इसको बांध लेना है। दोस्तों चलिए हम पहले बांध लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसको एकदम धागे से बांध लिया है, जिससे कि वायर जो है बिखरेंगे नहीं, एक साइड अपनी जगह रहेंगे। तो अब हम इसमें डालते हैं स्टार्टिंग कॉइल, जो कि आपको सिखाते हैं आप किस तरीके से डालेंगे। दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले इसमें जो है कॉटन टेप लगा देना है आपको, जिससे कि जो स्टार्टिंग कॉइल है वो रनिंग कॉइल से आपस में टच नहीं होगी, जिससे कि ना ही स्पार्किंग होगी ना ही शॉर्ट सर्किट होगा और हमारा फैन लंबे समय तक हाई स्पीड में वर्क कर पाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगा देना है कॉटन टेप ऊपर से, दोनों साइड से दोस्तों आपको कॉटन टेप लगा देना है। और फिर हम इसके डालते हैं स्टार्टिंग कॉइल का प्रथम सेट। तो चलिए स्टार्टिंग कॉइल का प्रथम सेट डाल देते हैं दोस्तों। तो प्रथम सेट दोस्तों एक साइड से इस वाले स्लॉट में आएगा, फिर जस्ट उसके बीच में 6 स्लॉट छूटे हैं जो कि रनिंग वाइंडिंग पड़ी है जिसमें, और जस्ट उसके पड़ोस वाले स्लॉट में डाल देना है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप 6 स्लॉट देख पा रहे हैं, जहाँ की हमारे रनिंग कॉइल के दोनों सेटों के जो है एक साइड के हिस्से आए हैं, वहीं से जस्ट आपको पड़ोस वाले स्लॉट में यहाँ में दोस्तों फिल कर देना है इस कॉइल को। चलिए अब हम आपको फिल करके दिखाते हैं, तभी आप दोस्तों आसानी से समझ पाएंगे। तो देख सकते हैं हमने जस्ट उसके पड़ोस वाले स्लॉट में ही फिल किया है, जैसा कि आपको भी करना होगा। तो अब इसके दूसरी कॉइल को जस्ट उसके पड़ोस वाले स्लॉट में ही फिल करते जाना है। तो इसके सीरीज कनेक्शन की एक बार बात फिर कर लेते हैं। प्रथम कॉइल का जो राइट साइड है वो हमारी दूसरी कॉइल के लेफ्ट साइड से इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका सीरीज कनेक्शन एकदम राइट होगा। तो बस इसी तरीके से सीरीज कनेक्शन करते जाना है और जस्ट उसके पड़ोस वाले में कॉइल को डालते जाना है। तो चलिए इसको भी डालकर करते हैं कंप्लीट। तो हमने दूसरी कॉइल भी डाल दिया है और अब बात करते हैं तीसरी कॉइल की। तीसरी कॉइल का बस वही प्रोसेस दोस्तों, जो लास्ट सिरा है वो अपने से अपोजिट साइड में रखना है और इसको डाल देना है इसमें, जो कि ये आसानी से पड़ जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम इसकी कॉइल लंबाई और वाइंडिंग डाटा की बात कर लेते हैं। तो इसका जो वाइंडिंग डाटा हम बताते हैं आपको, इसका जो SWG रहेगा दोस्तों वो 31 नंबर रहेगा, टर्न 180 रहेंगे और स्टार्टिंग में SWG 31 ही रहेगा, टर्न 170 रहेंगे दोस्तों। और तो देख सकते हैं हमने इसमें डालकर कर दिया है स्टार्टिंग कॉइल का प्रथम सेट कंप्लीट। और अब हम डालते हैं इन स्लॉट्स में स्टार्टिंग कॉइल का लास्ट सेट। तो इसी तरीके से आपको जस्ट उसके पड़ोस वाले स्लॉट में डाल देना है, जो कि रनिंग कॉइल हमने डाल रखी थी। जैसा कि हमने पहले सेट डालकर आपको दिखाया है स्टार्टिंग कॉइल का, उसी तरीके से आपको भी लास्ट सेट को डाल देना है। तो देख सकते हैं हमने सेट डालकर कर दिए हैं कंप्लीट, यानी कि मोटर वाइंडिंग हो चुकी है एकदम कंप्लीट हमारी और इसको बांध लिया है हमने अच्छे से। और अब ये बात आती है कनेक्शन की दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो कनेक्शन के लिए यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप कनेक्शन सीखना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, उस पर क्लिक करके आप इसके कनेक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।